चंद्र, मैंने कुछ सेवकों को सम्राट का रथ तैयार करते हुए देखा है और उनके बाहर जाने की अन्य व्यवस्थाएं भी हो रही है। चंद्र, कदाचित सम्राट कुछ दिनों के लिए महल से बाहर जा रहे हैं। क्या केवल सम्राट ही मुझे आचार्य के कारागार में उसे भेंट करने की अनुमति दे सकते हैं? मुझे कुछ करना ही होगा। सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की जय! सम्राट धनानंद की अचानक सम्राट का महल से बाहर जाने का निर्णय लेना और अपनी सेना को यहाँ एकत्रित करना। सम्राट धनानंद की सम्राट की मंशा क्या है? सम्राट धनानंद की सम्राट धनानंद की मगध के वीरों, महापूर्णिमा का पर्व शीघ्र आने वाला है और इसी शुभ दिन पर महान मगध भारत की सारी भूमि को अपना बनाने के लिए प्रस्थान करेगी। मगध अपने मित्र यवन सेल्यूकस के साथ मिलकर 15 जनपदों पर आक्रमण करेगी और उन्हें अपने अधिकार में ले लेगी। 15? आज से ठीक एक माह पश्चात पूर्णिमा को धनानंद के विरुद्ध हमारी इस क्रांति के महायज्ञ का प्रथम समर शंख फूंका जाएगा। अर्थात जिस महापूर्णिमा की रात्रि आचार्य धनानंद के विरुद्ध क्रांति करने की योजना बना रहे हैं, उसी समय धनानंद भी सेल्यूकस के साथ मिलकर अपनी ये योजना आरंभ करेगा। मैं मगध सम्राट धनानंद स्वयं 2 दिन युद्ध शिविर का नेतृत्व और अवलोकन करूंगा, जहां हमारी सेना का प्रत्येक योद्धा अपनी युद्ध प्रतिभा की धार को बढ़ाएगा और आने वाले युद्ध के लिए स्वयं को सज्ज करेगा। जय सम्राट धनानंद की जय! 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 क्या पता चला उस चाणक्य से? कहाँ है मेरा धन महामात्य? इसके विषय में पता लगाने में हम असमर्थ रहे मामले। आपका जो मैंने अपमान किया उसका उत्तरदायी है वो, आपकी शिखा कटने का उत्तरदायी है वो। यदि किसी ने इस ओर देखा तो उसकी आंखें निकाल लूंगा। पीड़ा होती है ना, अपमान का शूल चुपता है ना महामात्य? क्या लाभ जब आप उस चाणक्य का मुंह खोल ही नहीं सकते तो? महामहिम, उस चाणक्य के शरीर पर सहस्त्र नरकों की पीड़ाएं दी मैंने, जो आज तक कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाया। कदाचित ऐसा लगता है कि उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं हो रहा। तो आप निश्चिंत रहिए, आज नहीं तो कल उस चाणक्य को मेरे समक्ष और स्वीकार करनी होगी। मैं उसे तब तक पीड़ाएं देता रहूंगा महामहिम, जब तक वो ये नहीं बता देता कि उसने आपका चुराया हुआ धन कहां छिपा कर रखा है। आचार्य की इस पीड़ा का उत्तरदायी मैं हूं। मेरे कारण उन्हें ही कष्ट सहना पड़ रहा है, किंतु अब नहीं। सम्राट, मुझे लगता है कि आमात्य का प्रयास प्रशंसा की योग्य है किंतु प्रभावशाली नहीं है। सम्राट, पहली बार मैंने चाणक्य का पता लगाने के लिए ब्राह्मण का वेश धरकर प्रयास किया। दूसरी बार मैंने उसे अपने छल से अपने जाल में बंदी बना लिया था। मेरे दोनों ही प्रयास सफल हुए तो मुझे लगता है कि चाणक्य को
सीधे प्रहार से नहीं बल्कि छल के वार से तोड़ना चाहता है। यदि आमात्य को कोई आपत्ति ना हो तो मैं उनकी सहायता करना चाहूंगा। परंतु कार्य आमात्य, अपने अहंकार के कारण आप उस चाणक्य से प्रतिशोध लेने का स्वर्ण अवसर गवा चुके हैं, किंतु मैं अपना धन नहीं गवाऊंगा। भद्रसाल, सम्राट, अगले 2 दिनों तक इस दास को उस चाणक्य के पास जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं होगी। अगले 2 दिनों तक मैं युद्ध अभ्यास शिविर में रहूंगा। जो आगे सम्राट। और तुम जानते हो ना, जब मैं लौटूं तो मुझे कैसा स्वागत चाहिए। आपको परिणाम मिल जाएगा सम्राट। सुना नहीं सेनापति जी, मुझे तुरंत चाणक्य के पास ले चलो। चलो।